हाय गाइस, एक बार फिर से मैं दोबारा आपको परेशान करने आ जाता हूं क्योंकि मैं आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाना चाहता हूं। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में आपको मैं सिखाने जा रहा हूं कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल एंड लेवल का इस्तेमाल कैसे करना है। आपके ट्रेडिंग व्यू पे एक बहुत ही खूबसूरत इंडिकेटर है फिबोनाची नाम का, और फ्रेंड वो इंडिकेटर आपको राइट एंट्री और एग्जिट के बारे में बताता है। तो इस वीडियो को देखिएगा, बहुत शॉर्ट वीडियो बट बहुत ही फ्रूटफुल वीडियो होगी। अब जैसे मेरे सामने यहाँ पे मैंने AUD CAD का रैंडम करेंसी पेयर खोल रखा है, और जैसा कि आप देख रहे हो कि ये मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रहा है, तो मुझे अगर ये देखना है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में कब तक कंटिन्यू रहेगा या फिर मार्केट ट्रेंड कहीं से चेंज करने वाला है, तो इसके लिए मैं फिबोनाची का इस्तेमाल कर सकता हूं। तो अभी मैं पहली चीज तो ये देखूंगा फ्रेंड कि मैं ट्रेंड लाइन के ऑप्शन में जाऊंगा, यहां से हॉरिजॉन्टल लाइन का ऑप्शन लूंगा, और ये वाला जो सबसे मार्केट का लोएस्ट शैडो है यहां पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दूंगा। ये लाइन मैंने पता यहां पे क्यों ड्रॉ की, क्योंकि देखिए मार्केट ने यहां से पहले भी रिवर्सल ले रखा है और मार्केट ने यहां भी इन पे रिएक्शंस ले रखे हैं, यानी कि ये जो मैंने अभी एक स्किन ऑरेंज कलर की लाइन ड्रॉ की है ये एक सपोर्ट लेवल है जहां से हो सकता है कि मार्केट अपना ट्रेंड चेंज करेगा। तो पहली चीज तो ये है कि फ्रेंड मार्केट डाउन ट्रेंड का है तो मैं बाय की ट्रेड नहीं प्लान करूंगा, मुझे प्लान सेलिंग की करनी है। लेकिन या तो ये ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के बाद में करूंगा या फिर एक बहुत खूबसूरत इंडिकेटर टूल है फिबोनाची का। तो आपके ट्रेडिंग व्यू पे ऊपर से ये जो तीसरा ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, जब आप इसे क्लिक करोगे तो ये फिब रिट्रेसमेंट वाला ऑप्शन आपको दिखता है। तो आप इस फिब रिट्रेसमेंट पे जाएंगे, और चूंकि ये डाउन ट्रेंड का मार्केट है तो हम सबसे ऊपर वाले हाई शैडो पे कर्सर रखेंगे और सबसे नीचे वाले लो शैडो पे हम अपना कर्सर लेकर आएंगे। तो जब हम फिबोनाची लगाएंगे फ्रेंड, तो आपको ध्यान रखना है, पहली बार जब आप फिबोनाची लगाओगे तो आपको इसके सेटिंग में जाकर सेटिंग को पहले सेलेक्ट करना होगा। तो जैसे मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं कि जब आप पहली बार किसी फिबोनाची को लगाओगे तो ये सारे जो ऑप्शंस होंगे ना, ये आपको सेलेक्टेड दिखाई देंगे और इस तरीके से बहुत सारे लाइन आपको दिखाई देंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आपको सबसे पहले फिबोनाची की जो सेटिंग है, आप सेटिंग पे जाओगे और आप सारे ऑप्शंस को पहले तो अंडू कर दोगे, अनसेलेक्ट कर दोगे, जैसा कि मैं अभी कर भी रहा हूं। आपको केवल चार ऑप्शंस यहां पे रखने हैं। सबसे पहले यहां पे जीरो लिखा है, इसे रखना है। इसके नीचे 0.618 लिखा है, इसे हम 61.8% कहते हैं, ये रखना है। उसके बाद 1 का ऑप्शन लिखा है जिसे हम 100 कहते हैं, ये भी रखना है। और 0.5 के सामने जो टिक है, ये केवल चार लाइनों को हमें रखना है। और आप जब ओके करोगे तो आपके स्क्रीन पे इस तरीके से ये फिबोनाची के लेवल्स आ जाएंगे। नीचे की तरफ जीरो है, उसके बाद 50% है, उसके ऊपर 61.8% है, और सबसे ऊपर 100% का फिब लेवल है। फ्रेंड ये फिब लेवल क्यों रखना है, क्योंकि वर्ल्ड के जितने भी प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं वे इसी फिब लेवल का इस्तेमाल करते हैं। अब आपको क्या करना चाहिए, अब आपको दो चीजें देखनी है। जो फिब लेवल है इधर से आप एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर दोगे कुछ इस तरीके से, जैसा कि मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा रहा हूं, और इसे आप एक्सटेंड कर दीजिए राइट एंड लेफ्ट तक, ताकि आपको पता चल जाए कि ये एक फिब लेवल है। फ्रेंड अब मैं ये फिबोनाची को थोड़े देर के लिए हटा देता हूं, क्योंकि मुझे जो लेवल्स चाहिए थी वो लेवल मिल गई। अब यहां से दो प्रोबेबिलिटी बनेगी, या तो मार्केट मेरे ट्रेंड लाइन को नीचे ब्रेक कर देगा तो मैं यहां से सेलिंग की प्लानिंग कर सकता हूं, या फिर अगर मार्केट यहां से पुल बैक करेगा तो मैं इस फिब लेवल से अपनी सेलिंग की तैयारी करूंगा। क्योंकि फ्रेंड फिब लेवल को मार्केट रिस्पेक्ट देता है, क्योंकि बहुत सारे फिब लेवल के जो ट्रेडर्स है वो फिब लेवल पे ट्रेड लेना पसंद करते हैं। सो देखते हैं फ्रेंड होता क्या है। मार्केट ने यहां से बिल्कुल ऊपर की तरफ सपोर्ट लेके पुल बैक किया, यानी कि आप देख सकते हो जो नीचे हमने सपोर्ट दिया था यहां से मार्केट अगेन बुलिश जाने लगा। लेकिन उससे पहले मार्केट का ट्रेंड क्या था, लोअर लो लोअर लो लोअर लो लोअर लो, तो अभी इसने लोअर लो को ब्रेक नहीं किया है और मार्केट ने यहां से एक प्रकार का हमें रिवर्सल दिखा दिया। आप देखिए मार्केट ने यहां पे लिया था लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई एंड हायर हाई,
ये जो हायर हाई है ये पहला इंडिकेशन है कि मार्केट यहां से बाय में जा सकता है, और अगर ये मार्केट बाय में जाएगा तो ट्रेड का एक्चुअली ट्रेंड क्या चल रही है फ्रेंड, डाउन ट्रेंड चल रही है। ऐसे में आप बाय की गलती करोगे क्या? मैं तो कम से कम नहीं करूंगा, क्योंकि मैं फिबोनाची का लेवल देख रहा हूं, ऊपर फिब लेवल है, तो मार्केट को यहां से ऊपर जाने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। सो अगर ये मार्केट हमारे फिब लेवल तक जाएगा तो मैं यहां से सेलिंग की ट्रेड प्लान करूंगा। सो लेट्स सी फ्रेंड होता क्या है। एंड यस, मार्केट बिल्कुल हमारे ये देखिए फिबोनाची लेवल पे गया, कैंडल अंदर भी गई लेवल के, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाई, वहां पे शैडो करके वापस आ गई। और ये वाली रेड कैंडल देखिए, इसने अगेन शैडो मार के नीचे की तरफ रुख कर लिया है, यानी कि ये फिब लेवल पे फिबोनाची के जितने भी ट्रेडर ट्रेड करते हैं वे सभी यहाँ पे सेलिंग की प्लानिंग करते हैं। तो फ्रेंड मैं भी यहाँ पे क्या करूंगा, शॉर्ट की ट्रेड में जाऊंगा। ये जो हमारा रेड कैंडल क्लोज हुआ है तो मैं यहां से सेलिंग की तैयारी करूंगा, मेरा जो स्टॉप लॉस होगा ये फिब लेवल से 2-4 पिप में ऊपर की तरफ रखूंगा, और 1:2 की मैं यहां पे अपनी ट्रेड लगाने की कोशिश करूंगा। सो देखते हैं फ्रेंड, अब मैंने यहां पे ट्रेड में एंटर तो कर लिया है, फिबोनाची लेवल भी यहां पे लगा है, सो मार्केट मेरे डायरेक्शन में जाती है क्या? एंड यस, आप देख रहे हैं कि मार्केट हमें प्रॉफिट में ले जा रही है। ओ यस, हमारा थोड़ा सा टारगेट रह गया है, और देखते हैं यहाँ पे एक्सैक्टली हमने 1:2 का टारगेट अचीव कर लिया। अब बताइए फ्रेंड, अगर मैं इसी शैडो से सेलिंग में बैठता तो यहां तक मेरे कितने बार स्टॉप लॉस हिट जो हो चुके होते। लेकिन स्मार्ट वर्क क्या किया, हमने ये जाना कि मार्केट पुल बैक तो जरूर करेगा, या मैं कहूं यहाँ पे SMC भी काम कर सकती है, तो हमने फिबोनाची से जो एंट्री बनाई थी वो एंट्री हमारी परफेक्ट रही, और हमने करीब करीब अगर प्रॉफिट की मैं बात करूं तो 0.9684 से हमने अपनी ट्रेड ली थी और 0.9428 तक हमारी ट्रेड गई। तो करीब अगर मैं पिप्स की बात करूं फ्रेंड, तो ऑलमोस्ट 230 पिप्स का हमने यहाँ पे प्रॉफिट बनाया।